अभी आप देख रहे हैं प्रदेश तक। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ा हुआ है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत के योजनाओं वाले बयान का जवाब दिया है, जिस पर गहलोत ने फिर पलटवार किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजसमंद में विकास कार्यों के लोकार्पण को वर्चुअली संबोधित करते हुए इसका पलटवार किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने गोलमोल जवाब दिया है। वो कहते हैं, उन्होंने यह नहीं कहा है कि राजस्थान की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस, 25 लाख रुपए की बीमा संबंधी योजना और पात्र लोगों को 1000 रुपए प्रदान करने की पेंशन योजना को भी केंद्र में लागू करूंगा। वो आगे कहते हैं कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि जिस तरह राजस्थान सरकार गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है, उसी तरह हम भी देंगे। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत कहते हैं कि उनकी पिछली सरकार की कई परियोजनाओं को बाद में आई बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। कौन विश्वास कर सकता है कि आपके ऊपर, आप जो कह रहे हैं वही करेंगे, पहले केंद्र में लागू करिए तब हम मानेंगे। आपने गोलमोल जवाब दिया। अब इन्हीं काल में ओपीएस लागू किया गया था, उसको मैं लागू करूंगा। आपने इन्हीं कहा कि मैं यहाँ की सरकार 25 लाख का बीमा दे रही है, वो बीमा मैं खुद लागू करूंगा। आपने इन्हीं कहा जो 1000 रुपये दे रहे पेंशन के हम लोग राजस्थान में, तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाऊंगा और मैं भी कम से कम 1000 रुपये दूंगा विधवाओं को, निशेजनों को, बुजुर्गों को। 200 रुपए देते, 200 रुपए। आप बताइए कितना। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पक्ष विपक्ष में योजनाओं को लेकर हलचल मची हुई है। हर कोई जनता की नजरों में अपनी योजनाओं को बेहतर और दूसरे की योजनाओं को कम दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जनता तो उसी को सत्ता में लाएगी जिसकी योजनाओं से उसको फायदा हो रहा है। अब यह देखना होगा कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।